वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिछाने के लिए फॉर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बाय कंपनी नहीं है। सिक्के बिछाने के नाम पर राजयानी द करेंसी पीडिया अथवा द करेंसी पीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसी पीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है मेरे जीवन के लिए भी और आप सभी जो हमारे परिवार के 25 लाख से ज़्यादा सदस्य हैं उन सब के लिए भी, क्योंकि आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हैं उनका नाम ही काफ़ी है। पूरी इंडिया में उन्हें जाना जाता है और हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम उनके साथ बैठे हैं और हम उनके साथ एक छोटी सी वार्तालाप करेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर दिलीप बलसेकर जी का, जो अभी हमारे शहर में आए हुए हैं, भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में, और आप सब इंदौर वासियों की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्ते। बहुत खुशी हुई कि आप इंदौर आए हैं और हमें आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त दिया है ताकि हम आपसे गुफ्तगू कर सकें। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि जो द करेंसी पीडिया आपने देखा होगा YouTube, Facebook पर, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है? अगर जो लोग इस हॉबी को बढ़ाना चाहते हैं और नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आपके माध्यम से अगर वो पहुँच जा रहे हैं लोगों तक, ये कितनी बड़ी बात है। और उसमें मुझे एक विशेषता ये लग रही है कि ये जो ऐतिहासिक धरोहर है अपनी, जो सिक्कों के जरिए या बाकी जो भी कोई आर्टिफैक्ट्स होंगे, टिपन्स है, कंगन है, मूर्तियां हैं, कई चीज़ें हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सभी हमारे धरोहर को दर्शाने वाली चीज़ें हैं। सब इंस्क्रिप्शन है, कॉपर प्लेट्स है, तो इन सबको अगर आपकी जो कोशिश चल रही है जैसे सिक्कों को, तो सिक्के ऐतिहासिक धरोहर है और उसको गलाने से आप बचा रहे हैं एक हिसाब से। हाँ, ये बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, नहीं तो जिन लोगों को मालूमात नहीं है वो तो गला देंगे। गला रहे थे, कई लोग गला रहे हैं आजकल। और दूसरी बात ये मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जो आपके जरिए लोग पहचान रहे हैं सिक्कों को, या उसका मूल्य बढ़ रहा है, तो कम से कम जो सिक्के बेच रहे हैं उनको तो यहीं पर ज़्यादा मूल्य में खरीदना या बेचने के लिए अवसर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि विदेश जो जा रहे थे सिक्के वो भी कम हो गए, यहीं पे उनको स्टॉल मिल गया, अच्छा मार्केट मिल गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो चाहता हूँ कि जैसे अभी हम लोग भी शुरू कर रहे हैं, आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी शिवाजी महाराज के 350वें कोरोनेशन जो है, हाँ, ये साल हम लोग मना रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं। जी जी, तो इस बहाने हम लोग जन जागृति कर रहे हैं जी, कि वन डे सेमिनार कर रहे हैं और लोगों को मालूमात कर रहे हैं कि भाई शिवाजी महाराज और उनके सक्सेसर के कॉइन कैसे थे, क्या उसका महत्व था। इतने सालों साल पर्शियन स्क्रिप्ट में जो कॉइन निकलते थे, शिवाजी महाराज ने देवनागरी में कॉइन निकाल करके क्या काम किया बड़ा, तो यही सब हम चीज़ बताना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, और कौन क्या बोलता है उससे हमको मतलब नहीं है। आप क्योंकि आप मिलिट्री से जुड़े हुए हैं, आपका परिवार मिलिट्री से जुड़ा हुआ है, आप एक सच्चे देशभक्त हैं, तो मेरे ख्याल से आप जो कर रहे हैं वो बहुत सच्चे दिल से काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो सिक्का है जो हिस्ट्री को आज भी बता रहा है कि हमारी कितना समृद्ध इतिहास इस भारतवर्ष का था, तो इसको एक तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इसको सिक्कों को
आप बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। नहीं तो अगर ये आपके माध्यम से इतना जन जागृति नहीं होती तो शायद मैं कहता हूँ कि कई सिक्के जो हैं गल चुके। और मैं तो कहता हूँ कि आज जो हम लोग अलग अलग एग्जीबिशन में जाते हैं, ये कॉइन का जो दरबार होता है, हाँ, सिक्के लेन देन होती है, कॉइन कलेक्टर है, डीलर है, इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है ये इतिहास के धरोहर को बचाने के लिए। तो मैं इसी बहाने उनका भी शुक्रगुजार अदा करता हूँ और आपको भी मैं शुक्रिया बताना चाहूँगा और आपको धन्यवाद देता हूँ और आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि विश बेस्ट ऑफ लक, कि ये बहुत ही अच्छा काम चल रहा है आपका और आप करते रहिएगा। मैं वो कोशिश करूँगा, मंत्री जी से बात करूँगा और उसमें ये भी मेरे सोचना है कि अभी शिवाजी महाराज का जो राज्य था वो महाराष्ट्र पे मर्यादित नहीं था जी। तो उनके जो सक्सेसर थे जैसे फ्यूडिटरीज है, इंदौर है, ग्वालियर है, बड़ौदा है, तो यहाँ पे भी मैं प्रोग्राम करना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से। तो जैसे भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो आपको मैं जरूर इन्वॉल्व करना चाहूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो देखा आपने दोस्तों कितनी सच्चाई से और साफ गोई से डॉक्टर दिलीप सर ने आपको और हमें यह बताया कि जो करेंसी है या जो देश की धरोहर है, जो संस्कृति है, उसको बचाए रखने के लिए हर एक व्यक्ति को अपने अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति जितना प्रयास कर सकते हैं, मैं बाकी सभी लोगों से भी अनुरोध करूंगा जो यह वीडियो देख रहे हैं, यदि आप भी इस महान यज्ञ में अपना कुछ योगदान दे सकते हैं तो ज़रूर दें, क्योंकि हमें आप जैसे सच्चे और ईमानदार लोगों की सख्त ज़रूरत है और हम सब मिलकर ही इस संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, इस धरोहर को बचा सकते हैं। तो आप अपने कमेंट के द्वारा हमें इस वीडियो में अपने विचारों से अवगत कराएं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।